Coming up next is concept of replacement of bonds. दोस्तों आप इतना समझिए replacement of bond कौन कर रहा है, तो issue करने वाला party. तो friends bond के इस last part में, इस chapter के हम last part में हैं. अब तक starting से लेकर अब तक आपने सारा chapter जो समझा है, that is from the viewpoint of investor. Investor जो है, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से आपने पूरा सिनेरियो देखा है, क्योंकि आपने बॉन्ड का वैल्यूएशन किया, बॉन्ड अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है, आपने बॉन्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी अप्लाई किए अब तक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. यहां पहली बार हम बॉन्ड इशू करने वाले का व्यू पॉइंट ले रहे हैं, तो बॉन्ड इशू करने वाले को बॉन्ड रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज द इशू डिस्कस्ड ओवर हियर. सो रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड की जब बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैं एक इशू करने वाली कंपनी हूं, बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी हूं मैं. मैंने बॉन्ड इशू किया 10 साल का, लाइफ ऑफ 10 ईयर्स. अब मैंने जब बॉन्ड इशू किया है तो उस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 10% पर एनम, तो मैंने 10% कूपन पेमेंट वाले बॉन्ड इशू कर दिए. 3 साल बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होकर 7% हो गया. अब होगा क्या कि मेरा बॉन्ड तो 10 साल का बॉन्ड है, 3 साल बाद अभी भी बॉन्ड का रिमेनिंग मैच्योरिटी 7 साल बाकी है. इन 7 सालों तक मुझे अभी भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा एट 10%. कूपन पेमेंट इज प्रोमिस्ड, इज कमिटेड एज 10%, जबकि मार्केट में नए बॉन्ड इशू करने पर हमें सिर्फ 7% इंटरेस्ट का कमिटमेंट आता है. तो क्यों ना हम पुराने बॉन्ड को खत्म कर दें और नए बॉन्ड्स फ्लोट कर दें. पुराने बॉन्ड को खत्म करने के 2 तरीके हैं. एक, आप अपने बॉन्ड को बायबैक कर लो ओपन मार्केट प्राइस से. दिस कुड बी लॉस मेकिंग सिचुएशन. लॉस मेकिंग क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ, हमारे बॉन्ड जो 10% कूपन पेमेंट कैरी करते हैं, उनका वैल्यू, उनका वर्थ मार्केट में बढ़ जाएगा, और हमको उस बढ़े हुए वैल्यू से अपने ही बॉन्ड बायबैक करना महंगा पड़ सकता है. इसलिए कॉलेबल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है फ्रेंड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को कॉल करने का राइट इशू करने वाली कंपनी के पास हो, तो बॉन्ड्स को कॉल बैक किया जा सकता है, बट डेफिनेटली इट विल बी एट अ स्पेसिफाइड डेट. तो सपोज हमने कुछ साल के इंटरवल में, से 4 ईयर्स के बाद हमने बॉन्ड में वो क्लॉज रखा हुआ है, इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू कॉल बैक द बॉन्ड फॉर प्री मेच्योर रिडेम्पशन, कंपनी हैज अ राइट टू डू दैट. तो जब 4th ईयर के एंड में हम पहुंच जाए, तो हमें चांस मिलता है हमारे बॉन्ड्स को कॉल बैक करने का और ये देखने का कि वेदर द बॉन्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड. तो हम पुराने बॉन्ड्स को कॉल बैक करके, रिडीम करके खत्म कर देंगे, और उसे फंडिंग करने के लिए, उस रिडेम्पशन को फंडिंग करने के लिए हमने सामने नए बॉन्ड्स इशू किए होंगे. हमारा इसमें सबसे बड़ा सब्सटैंशियल एडवांटेज जो होगा कि अब जो पुराने रेट से कूपन पेमेंट देना हमारा कमिटमेंट हट जाएगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है हम उस रेट से कूपन पेमेंट्स देंगे, और हमने बॉन्ड को कॉल करने का राइट रखा होगा, तो उस राइट को एक्सरसाइज करके हम बॉन्ड्स का प्री मेच्योर रिडेम्पशन कर पाएंगे हमारे कोटेड प्राइस पर, हमारे बताए हुए प्राइस पर, मार्केट में चल रहे प्राइस पर नहीं. यही तो है सबसे बड़ा एडवांटेज कॉलेबल बॉन्ड्स इश्यू करने का. दोस्तों सिनेरियो कोई सा भी चल रहा हो, हमें यह देखना है कि बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी के पास जब यह डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आ जाए कि बॉन्ड, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, उन्हें रिप्लेस करके नया बॉन्ड इशू करना है या एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ही चलने देना है, दैट मींस रिप्लेसमेंट शुड बी कैरीड आउट और नॉट. इस डिसीजन को लेने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैश फ्लोज अराइज होते हैं हमारे इस डिसीजन की वजह से. दैट मींस ऑल कैश फ्लोज दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस, हम सारे कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लेंगे. दोस्तों ये कैश फ्लोज 3 अलग अलग टाइप के कैश फ्लोज हो सकते हैं. एक, रिप्लेसमेंट वाले डेट के कैश फ्लोज, दूसरे मैच्योरिटी वाले कैश फ्लोज, और तीसरे इन बिटवीन दिस होल ड्यूरेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. बॉन्ड का लाइफ 10 साल का है,
चार साल अभी हो गए हैं बॉन्ड को इश्यू किए हुए और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज 6 years. आज हम डिसीजन लेने बैठे हैं एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर कि क्या हमें बॉन्ड रिप्लेस कर देना चाहिए. तो फोर्थ ईयर के एंड को हम जीरो ईयर मानेंगे डिसीजन के व्यू पॉइंट से, क्योंकि डिसीजन अभी लिया जा रहा है. एट द करेंट डेट द टाइम फ्रेम विल बी कंसिडर्ड एज जीरो ईयर. अब रिमेनिंग लाइफ जो है वो 6 years है, तो 1 से लेकर 6 years के कैश फ्लोज क्या डिफरेंस आ सकता है पुराने बॉन्ड और नए बॉन्ड में. तो वो डिफरेंशियल कैश फ्लोज ऑफ दीज 6 years एंड देन जो कैश फ्लोज अराइज होंगे ऑन मैच्योरिटी, दैट इज आफ्टर 6 years, आफ्टर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 6 years इज ऑल्सो ओवर, वो जो एंड पर जो कैश फ्लोज अराइज होंगे हम सारे कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लेंगे. फिर सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लिया जाएगा. ऑब्वियसली हमारे रिप्लेसमेंट डिसीजन से अराइज होने वाले पॉजिटिव कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो कंपेयर टू नेगेटिव कैश फ्लोज, तो जो प्रेजेंट वैल्यू, फाइनल प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो भी एक पॉजिटिव अमाउंट होगा एंड विच विल इंडिकेट दैट रिप्लेसमेंट विल बी बेनिफिशियल. और वो फाइनल प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिप्लेसमेंट विल बी लॉस मेकिंग. तो फ्रेंड्स क्या करना है, कैसे करना है, लेट अस टेक सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड थ्रू दोज क्वेश्चंस ये सारी बातें और क्लियर होंगी. बट क्वेश्चंस में जाएं उससे पहले मैं स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिए. सो व्हाइल डीलिंग विथ रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स व्हाट यू शुड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ऑल कैश फ्लोज अराइजिंग ऑन डेट ऑफ रिप्लेसमेंट, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी. Determine the present value of all cash flows and decide whether replacement is beneficial or not. तो काम तो इतना ही करना है, but friends यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने में. एक बार आपने कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर प्रेजेंट वैल्यू तो कोई भी निकाल ले, बट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करना है. ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 28. चलिए पढ़ते हैं यहां क्या दिया हुआ है. एनजी लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 10% कॉलेबल बॉन्ड्स ऑफ रुपीज 10 lakh फेस वैल्यू. दीज बॉन्ड्स हैव रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 5 years. दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट पार. दीज बॉन्ड्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड द कंपनी हैज इनकर्ड issue expenses amounting to rupees 20,000 at the time of issue. The company has a policy of amortization of discount and issue expenses on the basis of SLM, that is straight line method, over 10 years. The company can call these bonds for immediate redemption at 10% premium. In the event of refunding these bonds by making call, the company can issue new bonds with 7.2% coupon rate, nominal value being rupees 10 lakhs. The new bonds will be issued at par and redeemable at 10% premium with maturity of 5 years. The expenses relating to issue equals to rupees 40,000. Tax rate applicable for the company is 40%. Decide whether the company should return the existing bonds on immediate basis by replacing with new bonds issued. Discounting rate adopted by the company is 8% per annum. तो दोस्तों क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ लिया, अब इस पूरे बड़े से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाएगा जरा उसे भी समझ लीजिए. दोस्तों यहां पर जो पुराने बॉन्ड्स यानी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स थे इनका टोटल लाइफ था 10 years. इनको अब तक इशू किए हुए 5 साल पूरे हो गए, तो इनका रिमेनिंग मैच्योरिटी बचा है दूसरे 5 साल. फॉर्चुनेटली ये कॉलेबल बॉन्ड्स हैं और इनको इस पॉइंट पर कॉल बैक किया जा सकता है फॉर इमीडिएट रिडेम्पशन, बट कॉल करने की कंडीशन है कि इन्हें 10% प्रीमियम पर रिफंड करना होगा. अभी जो भी नॉमिनल वैल्यू है 10 lakhs, उसका 10% एक्स्ट्रा देना होगा आपको. ठीक है, दैट मींस 10 lakh के बदले इस बॉन्ड को अभी रिफंड करना हो तो आपको 11 lakh पे करने होंगे. तो 11 lakh आपके लिए आज का आउटफ्लो हो गया. अब दोस्तों यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में टैक्स इंप्लीकेशन कैसे आएगा वो देखिए. तो 10 lakh तो आपके पॉकेट से जाना ही था,
1 lakh जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है प्रीमियम ऑन रिफंडिंग दीज बॉन्ड्स, इस अमाउंट पर आपके लिए टैक्स सेविंग्स अराइज होगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है दिस इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट यू हैव इनकर्ड बाय रीपेइंग द बॉन्ड होल्डर मोर वैल्यू. इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से ये अमाउंट जो आपने दिया है, दिस बीइंग एन एक्सपेंस, आपको इस एक्सपेंस पर टैक्स सेविंग होगी. तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे एट प्रेजेंट डेट रिप्लेसमेंट वाले डेट पर, तो न्यू बॉन्ड इशू किए जाएंगे, उसका जो भी प्रोसीड्स आएगा नेट बेसिस पर एक तरफ वो हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा. जो पुराने बॉन्ड्स आप रिफंड करेंगे, इस रिफंड में जो प्रीमियम पार्ट इंक्लूडेड है उस पर टैक्स सेविंग्स अराइज होंगी, उसे सब कंसिडर किया जाएगा. ये सारे कैश फ्लोज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम, दैट इज एट द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट. फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, जब पुराने बॉन्ड्स इशू किए गए थे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, इनका लाइफ 10 साल का था, उस समय हमने बॉन्ड्स को डिस्काउंट पर इशू किया था और बॉन्ड्स के इशू करते समय एक्सपेंस भी हुए थे. वो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड एक्सपेंस ऑन इशू आया था, ये अमाउंट हमने डिसाइड कर रखा था कि 10 साल में अमोर्टाइज करेंगे. 5 साल हो गए तो 5 साल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट अब तक आपने अमोर्टाइज करके राइट ऑफ कर दिया होगा. बैलेंस अमाउंट जो है वो अभी अमोर्टाइज करना बाकी है, वो अब अमोर्टाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो पुराने बॉन्ड्स तो आप रिफंड कर दे रहे हैं, तो वो अमाउंट लमसम एक साथ राइट ऑफ किया जाएगा. इसका रिलेटेड जो टैक्स बेनिफिट है, यानी टैक्स सेविंग होगा इस राइट ऑफ के कारण, वो भी हमें अभी मिल जाएगा. इसके बाद जो नए बॉन्ड इशू किए गए हैं, इस पर जो एक्सपेंस हुआ है अभी, वो हमारे लिए आउटफ्लो होगा. नए बॉन्ड्स के प्रोसीड्स में से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा. ये सारे कैश फ्लोज हम आइडेंटिफाई करेंगे एट द प्रेजेंट डेट, दैट इज एट जीरो डेट, जब हम बॉन्ड के रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेने बैठे. फ्रेंड्स, इसके बाद ड्यूरिंग द 5 ईयर्स टाइम, जब पुराना बॉन्ड हो सकता था और उसके बदले में हमने नया बॉन्ड इशू किया है, टिपिकली 4 टाइप के कैश फ्लोज आएंगे. जो इंटरेस्ट हम दे सकते थे पुराने बॉन्ड पर वो सेव होगा और नए बॉन्ड पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा. पुराने बॉन्ड का डिस्काउंट एंड एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन बंद हो जाएगा और नए बॉन्ड का जो डिस्काउंट या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है वो शुरू हो जाएगा. सो अमोर्टाइजेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू विल बिगिन नाउ. तो ये ईयर 1 to 5 जो ड्यूरेशन है, इसमें जो कैश फ्लोज आप आइडेंटिफाई करेंगे उसे हम 4 टाइप के कैश फ्लोज की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओल्ड पीटीआई, पीटीआई स्टैंड्स फॉर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट. हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसका पोस्ट टैक्स इफेक्ट लेते जाएंगे. ओल्ड पीटीआई अब हमारा बच जाएगा, यानी पुराना जो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट था अब हम उसे सेव कर लेंगे. नया पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट हमारे लिए आउटफ्लो बन जाएगा. पुराना जो अमोर्टाइजेशन टैक्स शील्ड था, यानी टैक्स सेविंग्स बिकॉज ऑफ अमोर्टाइजेशन, वो हमें फोरगो करना पड़ेगा. दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर अस. और जो नए वाले अमोर्टाइजेशन का टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड आता है, वो हमें एक बेनिफिट की तरह मिलने लगेगा. इतना ही नहीं, जब हम ईयर के एंड पर पहुंचे तो जो पुराने बॉन्ड का रिडेम्पशन वैल्यू था, अब हमें वो नहीं पे करना है, अब न्यू बॉन्ड का रिडेम्पशन वैल्यू पे करना है. इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पुराने बॉन्ड का रिडेम्पशन वैल्यू था 10 लाख एट पार, न्यू बॉन्ड को हमें प्रीमियम पर रिडीम करने की कंडीशन दिया है. दैट मींस न्यू बॉन्ड को आपको प्रीमियम पर रिडीम करना है, तो दोनों बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू तो सेम है, बट न्यू बॉन्ड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करेंगे प्रीमियम का, फिर उस प्रीमियम पर भी टैक्स सेविंग होगा. तो फ्रेंड्स, हर एक कैश फ्लो के कंपोनेंट को बहुत बारीकी से ध्यान से आप आइडेंटिफाई कर लेना, और सारे कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा काम बड़ा इजी हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, अब ये सॉल्यूशन पूरा कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से एक एक बात नोट करते जाइए. दोस्तों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक वर्किंग नोट ड्राफ्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड एक्सपेंस ऑन इशू. तो ये जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड बॉन्ड और एग्जिस्टिंग बॉन्ड.
So discount on issue of existing bond, ये bond जब हमने 5 साल पहले issue किए थे, हमने 10% discount पर issue किया था, 1 lakh rupees is the discount on issue of these bonds, and इस bond के issue पर जो expense हमें हुए थे, those were rupees 20,000, in total ये होता है 1,20,000, और ये हमें 10 साल तक amortize करना था, क्योंकि bond का, in existing bond का life तब 10 साल का था, तो annual amortization जो आता है, that will be rupees 12,000. Alright friends, let us proceed ahead. तो annual amortization का जो amount आया यहाँ पर 12,000, अब तक 5 साल बीत गए हैं bond को issue किए हुए, तो proportionately 12,000 multiplied by 5, 60,000 rupees हमने अब तक amortize कर दिया होगा, और 60,000 rupees अभी और amortize करना बचा है. तो unamortized balance of discount and issue expenses जो आएगा, that will be rupees 60,000. अब इसे आगे amortize नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस bond को हम replace करने जा रहे हैं, refund करने जा रहे हैं. तो ये सारा का सारा 60,000 एक साथ write off किया जाएगा, और उस पर 40% tax savings होगी. That tax savings will be rupees 24,000. Alright friends, इस working note के बाद हम focus करेंगे 0 year पर. तो सबसे पहले हम identify करते हैं हमारे main solution में. यहां से main solution वैसे start होता है, determining cash flow at 0 year if the bond is replaced. So सबसे पहले proceeds from issue of new bonds at par, ये आया 10 lakhs. Expense on issue of new bonds आया 40,000. ये दोनों cash flow straight away हमें दिए हुए हैं. Redemption of existing bonds at 10% premium, ये आएगा 11 lakhs. Tax saved on premium, ये आएगा 1 lakh का 40%, that is 40,000. And tax saved on writing off unamortized balance of discount and issue expenses, ये हमने working note में अभी देखा, ये आएगा 24,000. Net cash flow जो आता है, that is negative 76,000. तो friends, important बात जो आप identify करेंगे, ये 10 lakh inflow था, ये 40,000 outflow, ये 11 lakh outflow, ये 40,000 inflow, और ये tax saving भी inflow की तरह हमने record किया हुआ है. So net cash flow at zero date आता है, that is at 0 year आता है 76,000 negative. Alright friends, ये आपने लिख लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो लास्ट पार्ट के कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज एट एंड ऑफ 5 years इफ द बॉन्ड इज रिप्लेस्ड, ये बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. रिडीमेबल वैल्यू ऑफ न्यू बॉन्ड है 11 लाख, जबकि रिडीमेबल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड सिर्फ 10 लाख था. तो जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं वो 1 लाख है, और इस 1 लाख के एक्स्ट्रा आउटफ्लो पर आप 40% टैक्स सेव कर लेंगे. तो जो आपका नेट आउटफ्लो आता है, दैट इज ओनली 60,000. ऑलराइट फ्रेंड्स, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस. सो हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, 3 अलग अलग टाइप के कैश फ्लोज आए, 0 year वाले कैश फ्लो, year 1 to 5 वाले कैश फ्लो, और 5th year का कैश फ्लो. तो 76,000 नेगेटिव, 15,200 पॉजिटिव एंड 60,000 नेगेटिव. तो फ्रेंड्स, ये जो year 1 to 5 के बीच के कैश फ्लोज है, ये एवरी ईयर आएंगे. जब पीवी फैक्टर्स आप लोगे, 0 year का पीवी फैक्टर हमेशा 1 रहता है, 5th year का जो पीवी फैक्टर आएगा वो, और यहां तो 1 to 5 year का एन्यूटी फैक्टर लेना होगा, क्योंकि ये 15,200 हर साल आने वाले हैं, दिस इज रिकरिंग. सो ये पीवी फैक्टर्स एट 8% आते हैं, 1, 3.992710 एंड 0.680583. नाउ पीवी ऑफ कैश फ्लोस 76,000 नेगेटिव, ये आएगा 60,689 पॉजिटिव, और ये आता है 40,835 नेगेटिव. फाइनली जब हम ओवरऑल कैश फ्लोस का टोटल लेते हैं, ये आया नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए. सो कंक्लूजन लिख लेंगे, एज द एनपीवी ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन इज नेगेटिव, द कंपनी शुड नॉट रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विथ न्यू बॉन्ड्स.